हेलो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में कंट्रोल सिस्टम के फंडामेंटल पार्ट कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड आईओस को कैसे रीड और राइट किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये दो तरह के होते हैं, डिजिटल इनपुट और आउटपुट्स, एनालॉग इनपुट और आउटपुट। डिजिटल इनपुट्स में ऐसे फील्ड सेंसर्स होते हैं जो प्लांट की स्टेट को दिखाते हैं, जैसे प्रेशर स्विच हो गया, लेवल स्विच हो गया, फ्लो स्विच हो गया, प्रॉक्सिमिटी स्विच, या कोई पोजिशन या फिर लिमिट स्विच भी हो सकता है। इसमें जनरली NONC प्री पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट होते हैं और इसमें कंट्रोल सप्लाई दी जाती है और रिटर्न सप्लाई को DI कार्ड पे कनेक्ट किया जाता है। ये कंट्रोल सप्लाई 24 वोल्ट, 110, 220 कुछ भी हो सकता है। ये आपके प्लान की कंट्रोल सप्लाई की स्कीम पे डिपेंड करता है। इन सेंसर्स में स्विच में जनरली NC कॉन्टैक्ट ही यूज़ किया जाता है। इससे आपकी कंट्रोल सप्लाई भी मॉनिटर होती है और आपका सिग्नल भी मॉनिटर हो जाता है। अगर आप NO यूज़ करेंगे तो आपकी सप्लाई फेल होगी तो पता नहीं चलेगा। अब आपके प्लान में DI कार्ड 8-bit, 16-bit चैनल कुछ भी हो सकता है। ये आपके कंप्यूटर मतलब सेंट्रल प्रोसेसर के मैक पे डिपेंड करता है। जैसे ही किसी चैनल पे कंट्रोल सप्लाई अवेलेबल होती है, DI उस इनपुट को लॉजिक 1 रीड करता है, और अगर कंप्यूटर कंट्रोल सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो लॉजिक 0 रीड करेगा। इसका इंटरनल मैकेनिज्म जो सेंसिंग का है बहुत सिंपल है। इनपुट चैनल पे अवेलेबल कंट्रोल सप्लाई से एक ऑप्टो कपलर एक डिवाइस आती है, उसमें एक LED को ऑन किया जाता है, जिससे फर्दर सिग्नल लॉजिक 1 में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटराइज प्लस 5 वोल्ट सप्लाई ओके हो जाती है। ऑप्टो कपलर का यहाँ फंक्शन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करना है। इससे फील्ड सप्लाई और सिस्टम सप्लाई टोटली सेपरेट रहती है। फील्ड सप्लाई की फ्लक्चुएशन या ट्रांजिएंट सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो पाते और आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेफ रहती है। वैसे कई जगह फ्यूज या फिर जीनियर बैरियर भी प्रोवाइड किया जाता है। डिजिटल इनपुट कार्ड का DI सेंस करने का वोल्टेज थ्रेशोल्ड लेवल होता है एक, जिससे वो नीचे होने पर DI कार्ड सेंस नहीं करता, मतलब रीड नहीं करता। तो ऑर्डरिंग के टाइम हमेशा ये स्पेसिफिकेशन में जरूर मेंशन करें और चेक कर लें। जनरली ये 95 तक ये रीड कर लेता है। अगर 95 से नीचे होगा तो वो रीड नहीं करेगा। ऐसे ही 24 वोल्ट में भी कुछ सटन होगा, 17-18 वोल्ट तक ये 1 रीड करेगा। ओके, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम देखते हैं ये DI कार्ड कैसे सेंट्रल प्रोसेसर या CPU से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। DI कार्ड अपने इनपुट सिग्नल के स्टेटस को एक डिजिटल रजिस्टर में एक 8-bit या 16-bit हो सकता है में स्टोर करता है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन जब सेंट्रल प्रोसेसर या CPU जो है आपका इस कार्ड को पोल करता है, मतलब जब इसको रिक्वेस्ट भेजता है रीड करने की, तब ये DI कार्ड अपने इनपुट का जो स्टेटस है वो उसको सप्लाई कर देता है। इस तरह सेंट्रल प्रोसेसर प्लांट के सारे DI के कार्ड्स को पोल करके सारे इनपुट्स रीड कर लेता है और इन इनपुट्स को CPU के इमेज एरिया टेबल में स्टोर कर लेता है और एक एड्रेस असाइन कर लेता है। यह इनपुट का एक यूनिक एड्रेस होता है। इनपुट इमेज टेबल में इनपुट फर्दर प्रोग्राम को सप्लाई होते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फिर कुछ डिजिटल आउटपुट भी जनरेट होते हैं। इन आउटपुट्स को अब आउटपुट इमेज एरिया टेबल में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इन DOs को कैसे फील्ड में राइट किया जाता है। दोस्तों, DO का फ्लो है एकदम DI से जस्ट रिवर्स होता है। सेंट्रल प्रोसेसर के आउटपुट इमेज एरिया टेबल की इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में पोल करके सारे DO कार्ड्स पे सप्लाई कर दी जाती है। ये आउटपुट वर्ड जो अब इस वर्ड होता है 16-bit या 18-bit, वो आपके कार्ड के उस पर डिपेंड करता है। ये आउटपुट वर्ड DO कार्ड के डिजिटल रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। इसमें भी हर डिजिटल आउटपुट का एक यूनिक असाइंड एड्रेस होता है। इसमें एरिया, कम्युनिकेशन कार्ड, DI कार्ड और रेफरेंस भी होता है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बिट को ऑप्टो कपलर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आगे रिले ड्राइवर सर्किट को दी जाती है। अगर ये लॉजिक 1 है तो रिले पिकअप हो जाएगा, 0 है तो रिले ऑफ हो जाती है। दोस्तों, अब ये जो DO कार्ड 8-bit 16-bit, अगेन ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, भी हो सकता है इसमें रिले एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, जिसमें जनरली पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रहते हैं। इन DO कार्ड्स पे ऑप्टो कपलर से इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन भी रखा जाता है ताकि सिस्टम सप्लाई और फील्ड सप्लाई दोनों सेपरेट रहें। इन रिलेज के पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट से ही प्लांट के इक्विपमेंट जैसे ड्राइव्स हो गया, सोलनॉइड वाल्व्स हो गया या VFDs है, वो आपके प्रोग्राम के हिसाब से रेगुलेट होते हैं या फिर ऑन ऑफ होते हैं। दोस्तों, अब हम एनालॉग इनपुट्स की बात करते हैं। इसमें बेसिकली 3 तरह के इनपुट हो सकते हैं। RTD इनपुट हो गया, जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोकपल हो गया, उससे भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या 4-20 mA हो गया, इसमें प्रेशर फ्लो कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है। एनालॉग कार्ड का कॉमन फंडा ये है कि किसी भी तरह का इनपुट हो उसको सबसे पहले प्रोपोर्शनल वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट किया जाए। जैसे RTD का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये RTD एक वीटेस्ट ऑन ब्रिज का पार्ट होता है। ये 2-wire, 3-wire, 4-wire कन्फ्यूजन में कैसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। ब्रिज जब भी अनबैलेंस होता है मिली वोल्ट जनरेट होता है, उस मिली वोल्ट को वोल्टेज एक स्टैंडर्ड वोल्टेज स्केलिंग कर देते हैं।
तो ये वोल्टेज फर्दर फिर एडी कन्वर्शन प्रोसेस में जाता है जहां ये 8 बिट या 16 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप वर्ड बोलेंगे। ये वर्ड लाइन बेसिकली रेजोल्यूशन डिफाइन करती है कि हाउ मिनिमम चेंज ऑफ एनालॉग वैल्यू इज कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म। तो एनालॉग कार्ड में हर चैनल के लिए एक वर्ड होगा जो उस एनालॉग चैनल की वैल्यू को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह थर्मोकोल पे थर्मोकोल के मिली वोल्ट को भी वोल्टेज में करेंगे, फिर ए टू डी कन्वर्शन से इसको डिजिटल में करेंगे, देन 4020 है उसको भी वोल्टेज पे कन्वर्ट करके देन ए टू डी से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। हर चैनल की डिजिटल वैल्यू एक डिजिटल स्टोर में डिजिटल रजिस्टर में स्टोर कर देती है। सेंट्रल प्रोसेसर जब एनालॉग कार्ड को पोल करता है तो ये वैल्यू उन इनपुट एरिया स्टोरेज में चली जाती है। उसी तरह प्रोग्राम के हिसाब से जब एनालॉग आउटपुट जनरेट होते हैं तो ये आउटपुट आपके आउटपुट इमेज एरिया टेबल में आते हैं। अगेन आप देखिए ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स होता है। जैसे एनालॉग इनपुट आपने रीड किए, अब एनालॉग आउटपुट आपका फील्ड में रेड किए जाते हैं। पहले वोल्टेज जो है आपका मतलब जो डिजिटल वर्ड से वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वोल्टेज से अगर आपका आउटपुट 4 to 20 है तो 4 to 20 अदरवाइज 0 to 10 में भी कन्वर्ट सकते हैं। तो दोस्तों एक बेसिक प्रोसेस था जो बताता है कि कैसे फील्ड आईओ को रीड और राइट किया जाता है। दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे आईओ कार्ड सेंट्रल प्रोसेसर या सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। इसमें बहुत सारे के प्रोटोकॉल्स हैं जैसे प्रोफी बस हो गया, फाउंडेशन फील्ड बस हो गया, डिवाइस नेट हो गया, और इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की जो अलर्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।